हेलो बच्चों, मैं आपको आज अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 के समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय लेसन से अवगत कराऊंगी। इस लेसन में आपको सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र विषय के बारे में बताऊंगी। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, समान कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि इसकी आर्थिक क्रियाएँ हैं जिनका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी, उसमें प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति की इकाइयों का नहीं बल्कि उनके समूह का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर जी एकले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं से है। अब हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं बताएंगे। पहली विशेषता है कि ये समष्टि इकाइयों का अध्ययन है। दूसरा, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। थर्ड, समष्टि आर्थिक चर जैसे राष्ट्रीय बचत और विनियोग, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार इसकी विषय सामग्री है। चौथा है, समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि उपकरणों जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति का उपयोग किया जाता है। इसके क्षेत्र निम्नलिखित हैं, आय और परिचय रोजगार सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण और इससे संबंधित समस्याओं व उनके निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है समष्टि मूल स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल स्तर के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन आदि का अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की परिभाषाएं आप क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में पढ़ चुकी हैं। इसके क्षेत्र निम्नलिखित हैं, पहला आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत। आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में लागू होता है। इनके अंतर्गत विकास तथा नियोजन की विधियों व तकनीकी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण तथा इन्हें रोकने के उपायों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए देश की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति आदि में समायोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्षेत्र में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में मौद्रिक व्यवस्थाएं, शाख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि का व्यापक रूप में अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत व्यापार की शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन का विश्लेषण आदि का अध्ययन समष्टि आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। कुछ और क्षेत्र हैं जैसे विवरण का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र से इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा निर्धारण करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। मुद्रा तथा बैंकिंग सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मौद्रिक व्यवस्थाएं, शाख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि का व्यापक रूप में अध्ययन किया जाता है। राजस्व का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा निर्धारित करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। पहला है जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझाने में सहायक है, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक है, आर्थिक नियोजन में उपयोगी है, मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक है, व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक है, सामान्य बेरोजगार का विश्लेषण, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं में भी ये उपयोगी है।